एक तो मजदूर लौटने के मनुस्थिति में है नहीं, कितने परेशान होकर आए हैं। तो अभी रातों रात कोई फैक्ट्री खड़ी नहीं हो सकती है, कोई ऐसा उद्योग नहीं। नमस्कार, द पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। बिहार की जो अभी स्थिति है, जो पलायन की स्थिति बिहार में, जो प्रवासी मजदूर पलायन करके आ रहे हैं, क्या होगा उनके भविष्य का? चूंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई औद्योगिक इकाइयाँ नहीं है, रोजगार की चीजें बहुत कम है, तो ऐसे में सरकार क्या योजना बनाए और किन सरकार की किन योजनाओं से मजदूरों का भला होगा, इस पे हम बात करने के लिए अभी मौजूद हैं पटना के जाने माने पत्रकार पुष्य मित्र सर के साथ। तो नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो देश में लॉकडाउन की वजह से जो पलायन की स्थिति बनी है, तो हम देख रहे हैं कि जो बाहर के बिहारी प्रवासी मजदूर हैं वो बिहार लौट रहे हैं, तो जब वो बिहार लौट रहे हैं तो उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था यहाँ की जाए जो उनके हित में हो, या कोई ऐसा स्कीम जो उनके जो चल रही हो जो उनके हित में हो, जिससे वो बिहार में रुके। देखिए, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि बिहार में इतने साल होने के बावजूद अभी तक उद्योग का विकास नहीं हो पाया, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, इसलिए लगातार लोग पलायन भी करते हैं। अभी एक आंकड़ा आया था कि बिहार में लगभग हर दो घर से एक व्यक्ति पलायन कर रहा है, तो बहुत बड़ी संख्या में पलायन। अभी हम लोग देख भी रहे हैं कितने लोग वापस बिहार आ रहे हैं। बिहार सरकार का अपना आकलन है कि 20 लाख लोग कम से कम वापस लौटेंगे। तो अभी रातों रात कोई फैक्ट्री खड़ी नहीं हो सकती है, कोई ऐसा उद्योग नहीं विकसित हो सकता है, और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अभी एक ही तरीका है इन मजदूरों को यहाँ रोकने का, रोजगार देने का, वो है मनरेगा। मनरेगा के जरिए अगर सबको रोजगार मिले तभी हो सकता है। बिहार सरकार लग रहा है कि इस दिशा में थोड़ी एक्टिव भी है। बिहार सरकार ने कहा है कि अभी 18 करोड़ मानव श्रम दिवस वो सृजित करेगी, और लगभग उससे लगता है कि 18 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और आगे भी उनकी उसकी योजना है। चूंकि इस बीच में मनरेगा का फंड केंद्रीय स्तर पर बढ़ा भी है, तो उसको बढ़ाकर 24 करोड़ मानव श्रम दिवस तक ले जाना चाह रही है। अगर इस काम को बिहार सरकार ठीक से कर पाई, अगर 24 करोड़ मानव श्रम दिवस विकसित हो गया बिहार में, तो मुझे लगता है कि 24 लाख मजदूरों को बिहार में 100 दिन का रोजगार मिल सकेगा। और अगर बिहार में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिल जाता है, 24 लाख लोगों को, प्रवासी मजदूरों जो बाहर काम करते थे, तो फिर वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ उनको बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे राशन कार्ड के में उनका राशन मिल जाएगा, उनके बच्चों को मिड डे मील और आंगनबाड़ी की सुविधाएँ मिलेगी, सरकारी जो तमाम योजनाएँ हैं सबका उनको लाभ मिलेगा, तो एक बेसिक उनके पास सुविधा हो जाएगी, फिर वो उस सुविधा के आधार पर आगे कुछ छोटे छोटे काम भी कर सकते हैं, तो ये रुक जाएंगे। और उनका रुकना ज़रूरी है, क्योंकि अभी की स्थिति बहुत ख़राब है मजदूरों के लिए। आप सब देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में मजदूरों की क्या स्थिति है, और श्रम कानून भी उसको कमज़ोर किए जा रहे हैं कि आप 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम करना पड़ेगा उसी पैसे में। तो अभी अगर ये मजदूर, एक तो मजदूर लौटने के मनुस्थिति में है नहीं, कितने परेशान होकर आए हैं, रोड सड़कों पर चलते हुए परेशान होते हुए आप सब देखेंगे, तो अभी वो लौटने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन लाचारी में अगर उनको लौटना पड़ा तो उनको बहुत कम मजदूरी मिलेगी और बहुत बुरी परिस्थिति में काम करना पड़ेगा। इसलिए अगर वो मजदूर दम मार कर एक साल बिहार में रह गए तो उनकी अपनी कीमत भी विकसित होगी, और जो दूसरे राज्य हैं, दूसरे उद्योग वाले हैं, वो लोग खुशामद करके उनको ले जाएंगे और उनकी शर्तों पर ले जाएंगे कि वो तय करेंगे हाँ मेरी मजदूरी इतनी होनी चाहिए या मेरे फायदे इतने होने चाहिए, मेरी शर्तें ये होनी चाहिए, हम इतना घंटा ही काम करेंगे। तो एक साल अगर वो रुक जाते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर, उनका दोहन नहीं होगा। हाँ। बाहर में जो हम देख रहे हैं कि मजदूरों को मजदूरों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता है उनको, उनके जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं, तो इसमें उनको बल मिलेगा कि वो। अच्छा सर, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मजदूर अगर आ करके अगर अपने यहाँ रुक जाता है तो बिहार के विकास में ये कैसे योगदान दे सकता है अपना? देखिए, मजदूर तो बाहर भी रहता था तब भी बिहार के विकास में योगदान देगा, तो अभी भी रहेगा तो बिहार के विकास में योगदान देगा। अपने यहाँ रहते हुए मैं बता रहा हूँ कि अगर हर गांव में युवा शक्ति और बड़ी संख्या में युवा रहते हैं तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं विकसित होती है। जैसे खेती का अभी बहुत सारा काम ऐसा है जो मजदूरों के अभाव में ठीक से नहीं हो पाता जी। इसके अलावा कोई युवा, जैसे मान लीजिए कि आप ही, आप सोचते हैं कि हम एक डेयरी फार्म शुरू करेंगे, लेकिन आप इसलिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको मालूम है जहां आप ये काम शुरू करेंगे वहां आपको मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा गांव खाली हो चुका है और मजदूर बाहर रह रहे थे। तो अब ये रहेंगे तो आपको भी एक जो चीप लेबर बिहार का दूसरे राज्यों के विकास में काम आ रहा था, तो वो हमारे राज्य में हमारे लोगों को भी उद्योग खड़े करने में सुविधा मिलेगी कि हाँ हमारे पास लेबर है, तो अल्टीमेटली उसका बिहार के विकास में ही योगदान होगा। बाकी ये लोग अगर खुद अपने आत्मनिर्भर होकर कोई रोजगार करते हैं तो उसका भी बिहार को। हम आपका ध्यान 2011-12 में जो स्थिति थी अपने यहाँ मजदूरों की उसकी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।
2011-12 में क्या वो सिनेरियो था कि बाहर से लोग आते थे और यहाँ मजदूरों की मनौनी करते थे, उनको मनाते थे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता था, उसके बारे में अगर कुछ बताएं आप। देखिए 2011-12 में बिहार सरकार ने पहली बार कहा कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है, ये आंकड़े बता रहे थे, और उसके पीछे मनरेगा की ताकत थी। मनरेगा ने लोगों को इतना मजबूत किया और पैसे, उनकी मजदूरी की दर भी बढ़ी और उनके पास इतना पोटेंशियल हो गया कि कई मजदूरों ने सोचा कि अब बाहर नहीं जाएंगे, कई लोग बाहर से वापस लौट आए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ। उस स्थिति में जब दूसरे राज्यों में मजदूरों के का संकट हुआ तो पंजाब और हरियाणा के किसान यहाँ आके बैठे रहते थे 10-10 दिन, 15-15 दिन, और मजदूरों को ऑफर करते थे कि हम से टीवी ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए। तो आज अगर मनरेगा पर फिर ठीक से उसी ढंग से काम होता है तो आज भी वो स्थिति पैदा हो सकती है, वो मजदूरों के हित में भी होगा और बिहार के हित में भी। हमने बताया कि अगर हमारे यहाँ के जो मजदूर हैं अगर वो बिहार में रुक जाते हैं तो उनकी जो पोटेंशियल है, जो एनर्जी है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे, वो अपने कार्य के द्वारा या वो यहाँ पे फार्मिंग करेंगे, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक खेती की इतनी डिमांड बढ़ रही है, गौ पालन एक बढ़िया माध्यम हो सकता है अर्निंग का। जैसा सर ने बताया, अगर शुद्ध देसी नस्ल की गायें हैं तो उनका दूध जो है वो 90-100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आजकल बिक रहा है, तो ये सारा पोटेंशियल है, वो अपने यहाँ रहते हुए इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ज़रूरत है इसको जानने की, इसके बारे में समझ विकसित करने की। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।